हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की मेरी रेसिपी है स्पाइसी दाल तड़का। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 3 प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 लहसुन और 1 कप चना दाल। तो चना दाल को पहले धुल लेते हैं और धुलने के बाद आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे भीगने के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे और अब हम इसमें 2 मग्गा पानी डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक डालकर हमें इसे प्रेशर लगा लेना है। तो हमने इसे गैस पे रख दिया है। तो 5 से 6 सीटी आने तक या दाल पकने तक हम इसे पका लेंगे और तब तक कर लेते हैं हम अपनी तड़का की तैयारी। तो सारी चीज़ों को हमने छील कर प्याज को, टमाटर को, सबको धुल लिया है और यहाँ पे फाइन चॉप कर लेंगे सबको। टमाटर को भी हम फाइन चॉप ही करेंगे। और अब अदरक को हम कद्दूकस कर लेंगे या फिर खलबट्टे में हम इसे क्रश भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप कर लीजिए। और आधे लहसुन को हम यहाँ पे कद्दूकस कर लेंगे, लहसुन को भी आप क्रश कर सकते हैं। और आधे लहसुन को हम यहाँ पे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो ध्यान रहे लहसुन को 2 जगह इस्तेमाल करना है, इसलिए हम 2 तरह से उसे कटिंग करेंगे। उसके बाद हम लिए हैं 1 चम्मच जीरा, 1 इलायची, थोड़ी सी जावित्री, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 2 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, हींग और थोड़ा सा दालचीनी। कढ़ाई को रखेंगे गैस पर और उसमें तेल डालेंगे अब। और तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम तेज पत्ता को डालेंगे। उसके बाद खड़े मसाले डालेंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री, काली मिर्च और लाल मिर्च। उसके बाद हम डालेंगे अपना जीरा और हींग। इनको थोड़ा सा हम चला लेंगे और उसके बाद डालेंगे कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। लहसुन का कलर जब गोल्डन हो जाए तब हम डालेंगे इसमें प्याज। तो थोड़ा सा पहले हम इनको चला लेंगे। कलर हमारा लहसुन का गोल्डन हो चुका है तो प्याज ऐड करते हैं और इसे अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेते हैं। अच्छे से चला के इन्हें बढ़िया से भून लेना है। तब तक हम अपना दाल चेक कर लेते हैं। तो देखिए दाल जो है हमारा अच्छे से कुक हो गया है और अब हमें इन्हें कलछी से चला करके थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। चलते हैं हम अपने यहाँ तड़के की तरफ। तो प्याज जो है हमारा गोल्डन हो चुका है। तो अब हम डालेंगे इसमें अपने सूखे पाउडर मसाले। तो यहाँ पर हम लिए हैं लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। अब इन मसालों को सूखा ही हम थोड़ा सा भुनेंगे। उसके बाद कद्दूकस किया हुआ
अदरक हम डालकर भून लेंगे। यहीं पे अब हम टमाटर भी अपना डाल देंगे, जिससे थोड़ा सा पानी छूट जाएगा और मसालों को सपोर्ट मिलेगा। अब हम नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें हम चला लेंगे। अब टमाटर कुक होने के लिए हमें इन्हें ढक करके 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि टमाटर मेरा गल जाए और तेल भी मसालों से छूट जाए। मसाले जो हैं तेल छोड़ दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और अब हम इन्हें चला लेंगे। चारों तरफ से अच्छे से हम इन्हें चला लेंगे और मसालों को, जो टमाटर हैं, उन्हें थोड़ा सा क्रश करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्रश्ड किया हुआ लहसुन हम अपना डालेंगे और उनका कच्चापन ख़त्म होने तक बस भून लेंगे, हमें ज़्यादा यहाँ नहीं भूनना है। मसाले जो हैं अच्छे से भून चुके हैं, तेल भी छूट चुका है मसालों से, और अब बारी आती है दाल ऐड करने की। तो चलिए अब हम अपने दाल को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब दाल को जो है अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। जब दाल मिक्स हो जाएगा तो 1 कटोरी पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से दाल को गाढ़ा पतला कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है वैसा आप दाल को गाढ़ा पतला कर सकते हैं। दाल जो है अच्छे से उबल रही है और तकरीबन हमारी दाल जो है बनके अब रेडी है। गैस को कर देंगे ऑफ और अपने मनपसंद रोटी चावल के साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।